पीठ पर रह गई दौड़ती दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, रुको तो सही, अभी तो आई हो। मुझे लगता है तुम्हारे पापा को हमें पटेल के बेटे की शिकायत कर देनी चाहिए। हमें हक नहीं है पटेल के कामों में दखलंदाजी करने का, तुम अभी बच्ची हो। आप पटेल के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? मंजूर को मैंने कहा है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। कल से तुम वहां रहोगे और वहां के मामला संभालोगे। सारंग की अय्याशी को पूरा गांव जानता है। जाओ अपना गिरेबान में झांक कर देखो। कुछ नहीं कहेगा, सारंग पटेल का जो बेटा है। वहां लोगों के साथ मेलजोल कम रखना, वो लोग बहुत सी उम्मीदें बांध लेते हैं। इस दूरी को सह लेना, मजा आएगा। लेकिन पहले उससे इजहार तो कर लो। कैसे कहूं उसे के वो मेरी जिंदगी बन गई है। बाबा मुझे आपको बस एतबार चाहिए। मुझे अच्छे अंदाज में पटेल से बात करनी होगी। उसे कम से कम तुम्हें तो देखना चाहिए था। तुम्हारी पूरी उम्र की खिदमत और वफादारी को देखना चाहिए था। यह उसकी गलती है, अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो कर दो। सही, मैं उसे कभी का माफ कर चुका हूं, बस आप छोटी साई को थोड़ा समझा दे सके। बात अगर बाहर निकली ना तो मेरी इज्जत पे उंगली उठेगी और सही खुदा ना करे मेरी बच्ची की इज्जत पे। कुछ नहीं होगा मंजूर हुसैन, कुछ नहीं होगा, ये वादा है पटेल का। सही, आपको तो पता है कि छोटे साई मिजाज के गरम है और वो हर बात पे जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसी वजह से साई मुझे उसे डर सा रहने लगा है। सही, जानता हूं मंजूर हुसैन, जानता हूं अपने बेटे के गलत रवैये पे अफसोस है मुझे। अब से किसी को सारंग की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये पटेल का वायदा है। सही, आप ही हमारे छप्पर छाव हैं। सही, इसीलिए आपसे ये बात की है बादशाह। सारिंग को सिखाना पड़ेगा कि राजभाग को कैसे चलाया जाता है। साई, छोटे सांग को पता है कि आप किस तरह मामलात को संभालते हैं, बस उसे सिर्फ इसका एहसास दिलाना जरूरी है। साई, पूरे राजभाग में मौजूद लोगों को अपना नीरा हुनर सीखना जरूरी है। हाँ मंजूर हुसैन, तुम सही कह रहे हो, उसे सिखाना पड़ेगा। दुआ है रब करीम से कि उसे फहम फरासत अता फरमाए, जैसे छोटे साई में होनी चाहिए। इंशाल्लाह, अब तुम बेफिक्र होके चले जाओ, आइंदा कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी तुझे। अब रात काफी हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ, जाके आराम करो। शाबाश, मेहरबानी साई। हाँ सही, याद आया मुझे, वो कराची से कल मेहमान आ रहे हैं, वो पानी की लाइनें बिछाने वाला काम यहाँ पर जो शुरू होगा ना सही, उस सिलसिले में। हाँ तुम उसको वक्त दो, देखो वो क्या चाहता है, अगर जरूरत पड़े तो मेरे पास ले आना। अच्छा सही, ठीक है सही। Thank you.
वैसे इस गांव का वडेरा कौन है? यहाँ वडेरे नहीं, पटेल सरपरस्त होते हैं, और यहाँ का पटेल सुजावल खान है। फिर भी यहाँ के मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों है? क्या बाबा ने पटेल से सारंग के बारे में बात की होगी? हाँ, रात को गए थे। तुम्हारे बाबा ने बताया कि पटेल ने उससे माफी मांगी है, कहा कि सारंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नहीं अम्मा, मुझे नहीं लग रहा पटेल और अब्बा से माफी मांगे। उनमें तो ये जर्फ ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। मैनेजर साहब से कह दीजिएगा, कुछ भी जरूरत हो हम कर देंगे। जरूर, आपका ताबून ही काफी रहेगा। वैसे भी यहाँ पर हमारे ताबून के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। आप फिक्र ना करें, अपना काम करें, हम आपके साथ हैं। ओ घूट जिंदगी, ओ घूट जिंदगी। आप तो जल्दी आ गए, शायद रात ही कराची से निकले थे। नहीं, मैं मीरपुर खास में रुका हुआ था रात पे। अच्छा, तो चले पहले फ्रेश हो जाए, फिर नाश्ता कर लेते। अरे नहीं नहीं साईं, आप नाश्ते की तकलीफ ना करें। आशीष साहब, आपको शायद हम थरियों की मेहमान नवाजी का पता नहीं, शायद आप हमें यह एहसास दिला रहे हैं कि आप हमारे मेहमान नहीं हैं। अगर सच पूछें तो मैं वाकई खुद को मेहमान नहीं समझ रहा। वो कहते हैं ना, समूरो सिंध प्रिय जो सायो, जब देश अपना तो मेहमान नवाजी कैसी। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर नाश्ता करूंगा। ठीक है, क्या देख रहे हो बेटा? आप बैठो ना। शुक्रिया। सही, ये बात अहम है कि घर का सबसे बड़ा मसला पानी की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ भूख और गजाइत की कमी भी एक मसला है। तो थर के बासर और हुकूमतों तक रसाई रखने वाले लोग इन मसलों पे आवाज नहीं उठाते। आवाज उठाई गई थी तभी तो आपका इदारा यहाँ तक पहुँच पाया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जानवरों और इंसानों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए तो ये खित्ता थर खुशहाल हो जाए। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। सेहत की देखभाल करने वाला कोई इदारा अगर थर के खुश्क साली ज़दा इलाकों में पीने का साफ पानी मुहैया करे तो यहाँ की समाजी जबोहाली पर काम किया जाए और माशी मसाइल हल किए जाएं तो थर एक शादाब और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल। वैसे इस गांव का वडेरा कौन है? यहाँ वडेरे नहीं, पटेल सरपरस्त होते हैं, और यहाँ का पटेल सुजावल खान है। फिर भी यहाँ के मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों है? मसाइल के हल के लिए मुट्ठी भर मईशत काम नहीं आ सकती। यहाँ के मसाइल के हल के लिए रेत के टीले जितनी रकम चाहिए। सही, यहाँ शरह अमवात की वजह खुराक की किल्लत और साफ पानी की कमी हो। हाँ, लेकिन इसके साथ ज़रे आमदरफ्त की दुश्वारियों के नतीजे में तिब्बी सहूलतों का एक आम आदमी तक नहीं पहुँचना भी इन मसाइल की निशानदेही करता है। लेकिन इस पर पटेल सजावल काम क्यों नहीं करता है? ये एक अलग बहस है, लेकिन मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे। इतना वाज़ह और सीधा मकसद तुम्हारी सच्चाई को जाहिर करता है। ये आपकी करम नवाजी। अच्छा, मैं पटेल से मिल सकता हूँ? बिल्कुल, मैं पटेल की जागीर का काम की देखभाल करता हूँ,
तुम अपना वर्क मुकम्मल कर लो और दोपहर में पटेल से मिल लेते। बाबा सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आज उसे जागीर भी तो जाना है। शहर से कोई बाबू आया है, उसे लेकर पटेल की तरफ गया है, आ जाएगा जल्दी। कौन है वो बाबू? अम्मा पटेल का कोई मेहमान है क्या? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि वो हमारे घरों के करीब पानी पहुँचाने के काम के लिए आए। क्यों, वकील से कुआं खरीद रहा है क्या? वो तो मुझे पता नहीं, पर तो ऐसा कर बेटी, शाना के साथ जाकर पानी भर कर ला, घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम खुद चली जाओ। मैं घर के काम देखूं या पानी भर कर आऊं? जा तू भर के आ जा, शाबाश, इतने में तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। अम्मा शाना तो घर चली गई, अब फिर से उसे बुलाऊं क्या? तू वहीं से ही चली जा। अच्छा अम्मा बिस्तर समेट लो, फिर मैं देखती हूँ। जल्दी आ जाना, वहीं बातें करने नहीं बैठ जाना। अम्मा एक बात तो बताओ, क्या बाबा ने पटेल से सारंग के बारे में बात की होगी? हाँ रात को गए थे, तुम्हारे बाबा ने बताया कि पटेल ने उससे माफी मांगी है, कहा कि सारंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नहीं अम्मा मुझे नहीं लग रहा पटेल और अब्बा से माफी मांगे, उनमें तो ये जर्फ ही नहीं, ऐसे एहसास पटेल जैसे लोगों में देखने को नहीं मिलते। बस अपना मुंह बंद कर, जा जल्दी से पानी भर के ला, शाबाश। ये है आशीष साहब, पानी की फरामी के सिलसिले में गैर सरकारी इदारे की तरफ से अपने गाँव में काम करने आए हैं। नेकी का काम कर रहे हैं आप, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। आप? आशीष साहब ये है साईं सारंग, पटेल सजावल खान के इकलौते बेटे। आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला पानी तक पहुँच का है। अगर यहाँ के आम लोग आसानी से पानी तक पहुँच जाएंगे तो समझो कि उनको सब कुछ मिल गया। जी बस आपके तावुन से सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। मैनेजर साहब से कह दीजिएगा, कुछ भी ज़रूरत हो हम कर देंगे। ज़रूर, आपका तावुन ही काफ़ी रहेगा। वैसे भी यहाँ पर हमारे तावन के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। आप फिक्र ना करें, अपना काम करें, हम आपके साथ हैं। सदोरा आशीर साहब को बाबा से इससे मुलाकात करवा। मैनेजर साहब आप जरा मेरे साथ आए, आपसे कुछ डिस्कस करना है। चले हमारे इदारे को यहाँ किस किस्म का काम करना है नौजवान? सही, सबसे पहले हमें यहाँ पानी की पॉइंट्स को फाइनल करना होगा, जिसके हवाले से हमें यहाँ गांव के घरों का प्रोफाइल डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है ठीक है, तुम लोगों को जो काम करना है कर लो, और हाँ ध्यान रहे तुम्हारे काम से किसी को परेशानी ना हो। बाबा सही ये सारे काम हुकूमत से करवा सकते हैं, एक एक करके ये सारे काम हो जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो, तुम जाओ जाओ अपना काम करो। परीक्षा के बाबा को आपके इस बर्ताव का पता लग गया है,
आपकी इस रवैये की शिकायत बाबा ने पटेल साईं से कर दी। अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि संभल जाए और बदतमीजी नहीं करें। जो घूट जिंदगी हाँ 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 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। सलामुअलैकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं आपकी नवाजिश के इतने कीमती वक्त में से आपने थोड़ा वक्त मेरे लिए निकाला। तुम्हारे दारे को यहाँ किस किस्म का काम करना है नौजवान? साईं सबसे पहले हमें यहाँ पानी के पॉइंट्स को फाइनल करना होगा, जिसके हवाले से हमें यहाँ गाँव के घरों का प्रोफाइल डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है तुम लोगों को जो काम करना है कर लो, और हाँ ध्यान रहे तुम्हारे काम से किसी को परेशानी न हो। सही हमारी कोशिश होगी कि गांव के लोगों के साथ मिलकर ये सर्वे किया जाए ताकि यूं किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारी नियत सिर्फ इतनी है कि यहाँ गांव के हर घर को पानी मिले और पानी की लाइंस उनके घर के करीब। यहाँ की जमीनें आबाद करने के लिए तुम लोग क्यों नहीं बड़ा खर्चा कर लेते? सही ये हुकूमत के काम है, वो यकीनन इस पे कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो बस यूं छोटे मोटे प्रोसेस ही करते हैं। यहाँ अगर जमीनें आबाद हो जाए, फसलें काश्त हो, तो लोगों की तकदीर बदल सकती है, मुल्क की मईशत उठ सकती है। हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरत को पहले पूरा किया जाए। और हाँ ठीक है, मंजूर तुम्हें बता देगा कहाँ से लाइनों का सिलसिला शुरू किया जाए और किन मकामा तक पानी की पॉइंट्स को रखा जाए। सर्वे के बाद हम पॉइंट्स को फाइनल कर देंगे और आपकी तरफ से भी रहनुमाई मिल जाएगी। आप हमारे मेहमान हो, रात का खाना साथ खाएंगे प्लीज। शुक्रिया। बाबा ने पटेल से शिकायत लगाई है सारंग के गलत रवैये और बर्ताव पे, और पटेल ने बाबा से माफ़ी भी मांगी है। तुम्हें लगता है कि पटेल ने चाचा से माफ़ी मांगी होगी? ये तो रोहिड़े से बेर मांगने वाली बात तो ही, लेकिन मान लेते। तुमने चाचा से पूछा? नहीं, अम्मी बता रही थी कि कोई शहरी बाबू आया है जिसे मिलवाने के लिए बाबा पटेल के यहाँ गए। शहरी बाबू? मैं आप सबके लिए पानी की सहूलत फराम करने के साथ साथ इलाज मुआलजे की सहूलत को भी फराम करने की कोशिश करेंगे। बस इस सब में आपने मेरा साथ देना। ये देखो मलार, थर के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ये शेरी बाबू आया है, और ये भी इस उम्मीद में कि ये मसाइल से बाहर निकल आए। कितना बड़ा मजाक है ये। सारंग साहब आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन गरीबों और मिस्कीनों की किस्मत को अच्छा आप ही लोग बना सकते हैं। इन्हें इनका बुनियादी हक दिलाने के लिए आपको ही आगे आना होगा, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब आपके लिए ही जीते हैं और आपके लिए मरते हैं। इनका जीना मरना हमारे लिए है। आप नया क्या बता रहे हैं शेरी बाबू? छोटे से आशीर बाबू के कहने का मकसद ये है कि यहाँ गांव की खवातीन कई किलोमीटर दूर जाकर वाकई मौजूद कुएं से पानी भरकर लाती हैं। उन्हें पैदल जाना पड़ता है और
उस पानी में नमकियात भी मौजूद होती है, मजबूरन हमें वो पानी पीना पड़ता है। मैनेजर साहब, आप तो जानते हैं पटेल साईं की कोशिश रही है कि पानी की टंकियां और होदियां गांव में घरों के करीब बनवाई जाए, और वो इस हवाले से हुकूमत से बात भी कर चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा साईं तो हुकूमत से बात भी कर चुके हैं, हम सब भी तो यही चाहते हैं कि गांव में टंकियां हो, होदियां हो, लोगों का भला हो, सबका भला होगा। कारंजर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट पत्थर के काटने को बकायदा सनत का दर्जा दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, जिससे इन तमाम लोगों को रोजगार फराहम होगा और ये पूरा इलाका तरक्की करेगा। हाँ अच्छी सोच है तुम्हारी, हम भी तो यही चाहते हैं बाबा से ये सारे काम हुकूमत से करवा सकते हैं, एक एक करके ये सारे काम हो जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो, तुम जाओ जाओ अपना काम करो। खेरी बाबू, कितना किस्मत वाला हूँ मलार, अभी भी परीक्षा के बारे में सोच ही रहा था और परीक्षा मेरे सामने आ गई, मेरे तो जैसे बाग खुल गए। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाके इजहार मोहब्बत कर लो। हाँ मुझे तो रस्ते में ही डस लिया, मेरे बख्त किसी सांप ने मेरी इन सूखी आंखों को तुमने अपना दीदार करवा के शादा भी कर दिया। परीक्षा सारंग, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझसे यूं बदतमीजी मत किया कर, मुझे यूं रास्ते में तंग मत किया कर, पर तुम्हें तो बात समझ में ही नहीं आती। तुमने सारंग कहा जैसे मेरे कानों में शहद घुल गया हो। एक बार फिर कहो। आपको कितनी बार समझाया है कि हमें यूं रुसवा मत किया करें, आप पे ये नहीं जचता। परीक्षा, परीक्षा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हमें अपनी इज्जत प्यारी, हमें अपना तकद्दुस प्यारा है, हम नहीं चाहते कि कोई भी हम पे उंगलियां उठाए, आप अपनी हद में रहा करें। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत हो, किसमें इतनी मजाल कि तुम पे उंगली उठाए। परीक्षा के बाबा को आपके इस बर्ताव का पता लग गया है, आपके इस रवैये की शिकायत बाबा ने पटेल साईं से कर दी, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि संभल जाए और बदतमीजी नहीं करें। क्या फर्क पड़ता है, हम पटेल हैं, ये हमारी शान है। परीक्षा ये मत सोचना कि तुम किसी और की हो सकती हो, तुम सिर्फ मेरी बनोगी, मेरी।
हम ये काम हुकूमत के तावुन से करने हैं, जिसमें आवाम की बेहतरी और भलाई है, जिसको आप और हम मिलकर करेंगे। ये शेरी बाबू, तुम यहाँ के रीति रिवाज को नहीं समझते। यहाँ पटेल साईं का हुक्म चलता है। अगर वो हुक्म देगा तो तुम यहाँ काम कर सकते हो, वरना हम तुम्हें काम करने नहीं देंगे। फिर तो हमें पटेल साईं को सब बताना होगा। मंजूर शहरी बाबू से मिलके कैसे मंसूबे बना रहा है वकील, ये उसे सब कुछ बताना है और समझाना है। अब तुम समझे हो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वजीर। गांव के लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर सवाल उठा रहा था। मगर मैंने तो उसके साथ मैनेजर मंजूर को भेजा था। वो तो सही उसके साथ था, पर पता नहीं उसके आंखों पर और कानों पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो तो शहरी बाबू को रोकता ही नहीं है। क्या कहता है वो शहरी बाबू? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मीठे कुएं से पानी यहां लाया जाएगा और गांव की तमाम अहम पॉइंट्स पर होदिया बनाई जाएंगी, जहाँ से गांव को पानी तकसीम किया जाएगा। मीठा कुआं तो यहाँ से दूर है, इतनी बड़ी पाइपलाइन कैसे बिछेगी? पाइपलाइन लाना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों का काम हमारी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर इन पाइपलाइंस को वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन वो सारी जमीन तो पटेल साईं की है, क्या वो इजाजत देगा? पटेल साईं से आशर से आपकी इस हवाले से बात हो गई, वो गाँव के लिए बहुत कुछ करेंगे। वैसे भी ये लाइन रोड के साथ बिछाई जाएंगे, इसे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक तो पटेल ने लोगों का फायदा किया ही नहीं, सिवाय जुल्म और जबर के। इसने हमारे साथ और क्या किया है? पता नहीं तुम क्यों उसकी तारीफ करते रहते हो। वो इतना रहम दिल कहाँ है जितना तुम बता रहे हो मंजूर? पटेल सही से मेरी बात हो चुकी है और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे हमारी मदद करने की। एक बार फिर एहतियात के तौर पर मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये बताना होगा कि मीठे पानी की लाइन्स किस रास्ते से लाने में आसानी हो। वो हम जानते हैं कहाँ से पाइपलाइन को आसानी से लाया जाए, आपको पूरा नक्शा बता देंगे। लेकिन पटेल से इजाज़त मांगो, वो यहाँ का माई बाप है, वो चाहेगा तो काम होगा वरना नहीं होगा, ये बात समझ लो। इजाज़त मिल जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहें। फिलहाल इस पाइपलाइन की हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, लिहाजा आप लोग एक कमेटी बनाएं जो इस काम की देखभाल कर सके, जिसकी निगरानी में ये सारा काम। ये लाइनें पड़ गई ना तो गांव की औरतें दूर जाकर पानी भरने से बच जाएंगी। अगर यहाँ पानी की लाइनें पड़ जाती हैं और घरों के करीब पानी आ जाता है, मेरे कुएं पे कौन आएगा? मेरा तो रोबता भी खत्म हो जाएगा। हर घर से जो रकम साल भर की मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी, मेरा कारोबार तो ठप हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ के सरपरस्त ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को इस अजियत से निकाला जा सके? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये अपनी जिंदगी प्यारी है। शहरी बाबू आप अपना काम करो, वो यहाँ से निकलो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? हम ये काम हुकूमत के तावुन से करने हैं, जिसमें आवाम की बेहतरी और भलाई है, जिसको आप और हम मिलकर करेंगे। ये शहरी बाबू, तुम यहाँ के रीति रिवाज को नहीं समझते। यहाँ पटेल साईं का हुक्म चलता है, अगर वो हुक्म देगा तो तुम यहाँ काम कर सकते हो, वरना हम तुम्हें काम करने नहीं देंगे। और बात सुनो शेरी बाबू, हमें तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है। मंजूर साहब पटेल की तरफ से यहाँ हमारे साथ है। वकील तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो पटेल साईं की इजाजत से काम हो रहा है, कोई खैरात नहीं है। ये मंजूर, तुम पटेल साईं के नाम पर यहाँ पटेलगिरी कर रहे हो, और बात सुनो तुम्हारी ये पटेलगिरी हम नहीं चलने देंगे। हाँ क्या बकवास कर रहे हो वकील, निकलो यहाँ से, तुम जैसे लोग कभी गांव की भलाई नहीं चाहते, चलो। देखते हैं कैसे तुम लोग ये काम करते हो, जिसको देखो वडेरा शाही चलाने आते हैं। एक घोड़ा। वजीर, ये हमारे ही लोग बाहर के लोगों के साथ मिलकर पटेल साईं की इज्जत को उठा लेंगे, और तुम्हारा क्या ख्याल है,
हम हाथ पे हाथ रख कर देखेंगे क्या? लेकिन मंजूर तो उसके साथ था, हो सकता है कि पटेल ने उसको इजाजत दे दी हो। अरे मंजूर तो मेरे से दुश्मनी निकालेगा ना, मैंने उसकी बेटी का मास्का पकड़ लिया। लेकिन फिर भी गांव के सारे लोग मंजूर के साथ हैं। अरे यही बात तो पटेल साईं को समझानी है कि मंजूर पटेल गिरी शुरू कर रहा है, और दूसरा ये कि अगर ये पाइपलाइन यहाँ बिछ जाती है तो फिर पटेल साईं को कौन पूछेगा? सब लोग तो मंजूर की वाह वाह करेंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो वकील, ये शहर का बाबू गांव के लोगों को पटेल से कैसे अलग कर रहा है, और यही लोग पटेल से उंगलियां उठाएंगे। देखो कैसे बातें कर रहा है वो। अरे यार हमारी तो खैर है, लेकिन अगर पटेल साईं की इज्जत उछाली गई तो समझो हमारे हाथ से तो सब कुछ चला गया। तुम्हें तो पता है ना कि हमारी सारी दुकानदारी पटेल साईं की वजह से चल रही है, अगर पटेल साईं को कुछ हो गया तो हमारी तो दुकानदारी गई। फिर तो हमें पटेल साईं को सब बताना होगा, मंजूर शहरी बाबू से मिलके कैसे मंसूबे बना रहा है। वकील ये उसे सब कुछ बताना है और समझाना है। अब तुम समझे हो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वजीर। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझे पता है पटेल साईं थोड़ा मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने सारंग साईं पर मंजूर की छोकरी का इल्जाम लगाया था। बस अब तुम जाओ और पटेल साईं तक ये बात पहुंचा दो, इससे तुम्हारा भरम भी रहेगा और तुम्हारी वाहवाह होगी। मैं अभी पटेल साईं के पास जाता हूँ और मंजूर की सारी कारस्तानी बता देता हूँ। अब देख, वो कहता था ना कि फलाही काम किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता, अब तू देखना मैं उसको कैसे निकालता हूँ। हाँ, ये कैसे करते हैं खत्म मेरे कुएं की जरूरत को ये मंजूर और शहरी बाबू। क्या हुआ वजीर, क्या फिर तेरे दुकान की चोरी हो गई? साईं बाबा, चोरी तो पूरे गांव की हो गई, आपके राज की, आपके भरम की, आपके शान की। बाबा साईं, जो मैंने देखा ना वो बता रहा हूं। क्या कहना चाहते हो वजीर, खुलकर कहो। साईं, शहर के लोगों को आपने बड़े अख्तियार दे दिए, वो हमारे गांव के लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, और तो और हमारे गांव के लोग आपकी शान के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं। कौन है वो लोग और तुम किसकी बात कर रहे हो? सही, शहर से कोई बाबू आया है, वो आपके खिलाफ बड़ी तकरीरें कर रहा था, गांव के लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर सवाल उठा रहा था। मगर मैंने तो उसके साथ मैनेजर मंजूर को भेजा था। वो तो सही उसके साथ था, पर पता नहीं उसके आंखों पर और कानों पर पट्टियां बंधी हुई थी, वो तो शहरी बाबू को रोकता ही नहीं है। क्या कहता है वो शहरी बाबू? ये काम भले कोई हुकूमत करे या कोई गैर सरकारी इदारा करे, हमें ये सहूलत नहीं चाहिए जो हमारे पटेल साईं की इज्जत को उछाल कर मिलती हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। बात तो बहुत गहरी करके गया है वजीर, अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अंकल आप क्यों इतना वरिट रहते, ऐसा क्या है वहां पर जो आप नहीं चाहते थे कि आशित थर जाए? ये गांव देखते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। बहरहाल शुक्रिया। अब तो पता लग गया ना शहरी बाबू, खड़े क्यों हैं? जाए ना फिर।
पता नहीं क्या हाल किया होगा तुम लोगों ने उनका। कुछ तो बताओ, सुनो, ऐसे मत जाओ, मुझे बता के जाओ मेरे अम्मा पापा का हाल। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। सारंग कह रहा है ना कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। सकीना, तुम्हारी ममता एक दिन इसे लेके डूबेगी। उसने सारंग से दुश्मनी की है, मेरे और बाबा के बीच में दरार डाल दी है। उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए? ऐसा कि मंजूर और पटेल के बीच में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो जाए इनका। तुम अपने बाप को जवाब दे रहे हो? ये अखलाक दिखाओगे मुझे? जीनत हमारी बहू बनेगी, ये याद रखो। और बेटा तुम रहते कहाँ? परियो सर, उमरकोट से 50 किलोमीटर दूर है। सर में